एसबीएस न्यूज के लाखों देखने और सुनने वालों का इस चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीएस न्यूज में। मैं मोहम्मद अहमद, उत्तर प्रदेश वाराणसी कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक जो वाराणसी के अर्दली बाजार में स्थित है, वहाँ शिक्षकों द्वारा आज धरना दिया गया। उपवास धरना में उनकी मांगे थी कि जो शिक्षकों के साथ भेदभाव हो रहे हैं, पुरानी पेंशनों को रोका जा रहा है, स्थानांतरण में जो दिक्कतें आ रही हैं, उन सभी की मांगों को लेकर वे आज सरकार के विरोध में यहां धरना दे रहे हैं। मंत्री से फाइल चली है, शिक्षा मंत्री से एडी के यहाँ और डीआईएस जेडी के यहाँ, कोई भी एक भी स्थानांतरण आप बता दीजिए हमको जो ऑनलाइन बहाल हुआ है। हम उस बहाली की मांग करते हैं। यह सरकार नहीं चाहती है कि शिक्षकों का स्थानांतरण हो। एक तरफ आप कहेंगे कि जहां से आपको जाना है वहां एनओसी लीजिए, जहां जाना है वहां एनओसी नहीं लेना होगा। जहां जाना है वहां तो प्रबंधक और मुंह बाए खड़ा है, उसे भी उसकी भूख बड़ी है, वह भी कुछ अपेक्षा कर रहा है, कहां से हमको ज्वाइन कराएगा। जब तक दोनों संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक स्थानांतरण संभव नहीं। शिक्षक निदेशक द्वारा अब तक आप लोग कई सालों से कर रहे हैं, मतलब 2 सालों से कर रहे हैं, क्या उनसे कोई आपको आश्वासन मिला है या नहीं मिला है? सरकार से हम लोगों की जो वार्ता हुई है उस वार्ता में हम लोगों को हमेशा यह आश्वस्त किया गया है कि हाँ जल्दी ही इस पर हम निर्णय ले रहे हैं। पेंशन की जो बात थी, यह सरकार जब विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी उस समय कह रही थी, चिट्ठी लिखी थी, योगी जी ने पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय राजनाथ सिंह ने पत्र लिखा है, माननीय केशव प्रसाद मौर्य ने पत्र लिखा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए, नई पेंशन व्यवस्था शिक्षकों कर्मचारियों के लिए हितकारी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने सदन में जब पूछा कि आप इसको कब बहाल कर रहे हैं, यह आपका पत्र है, उस पर यह कहा गया कि यह केंद्र सरकार की योजना है, जब तक केंद्र सरकार अमेंडमेंट नहीं करेगी हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। चयन बोर्ड की जो धारा 21 है उसका उसमें किस तरह का आप लोग जो है, चयन बोर्ड जब अधिनियम बना उसमें एक निलंबन के संदर्भ में प्राविधानित किया गया धारा 21 में कि अगर कोई प्रबंधक किसी शिक्षक को निलंबित करता है तो बिना चयन बोर्ड के पूर्वानुमति के वह निलंबन प्रभावी नहीं होगा, उसे शून्य माना जाएगा। लेकिन यह सरकार आई उसमें यह अमेंडमेंट कर दी, धारा 18 ला दी इन्होंने, एक सब चयन बोर्ड बेसिक और उच्च शिक्षा को मिलाकर शिक्षा आयोग बना दिया है, उसमें धारा 18 लाई गई है, उसमें कहा गया है कि पूर्वानुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बीटीएस न्यूज़ और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।